अभी हम ये चीज बनाएंगे, ये सर्कल की कमांड के ऊपर है। अगर हम ये चीज प्रॉपर बना ले, हमारी सर्कल की कमांड क्लियर हो जाती है। दूसरा, सेंटर लाइनों, सेंटर लाइंस हैं जो भी, उनकी लोकेशन बताई जाती है। अच्छा, ये डिमेंशन टेक्निक भी इसमें शामिल है, क्योंकि आप अगर सेंटर डिमेंशन देखें, ये सेंटर टू सेंटर, अगर हम सेंटर टू सेंटर डिमेंशन नहीं देते तो ये ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते, ठीक है। तो लिहाजा हमें फॉलो करना पड़ेगा सेंटर जी लाइन टू सेंटर लाइन, और सेंटर लाइन क्या होती है, क्या ये सारी डिटेल हम डिस्कस करेंगे, प्लस सर्कल को भी, क्योंकि सर्कल सेंटर लाइन से डायरेक्ट इंटरलिंक कर रहा है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मिडल से, ये वाला सर्कल बनाएंगे, तो सी इंटर करेंगे तो इसका डायामीटर कितना है, वो डायामीटर बता रहा है 1.25। तो मैं फिर अब डी इंटर करूंगा, क्योंकि बाई डिफॉल्ट रेडियस ऑन होता है। तो अभी डी इंटर करूंगा कि डायामीटर इसकी सब कमांड है, और डाय जो सब कमांड का पहला लफ्ज़ या जो भी लफ्ज़ कैपिटल हो वो उसकी सब कमांड होती है। तो डी कैपिटल है तो डी इंटर करता हूँ, तो डायामीटर ऑन हो गया। अब डायामीटर वो कितना बता रहा है, वो 1.125 मिलीमीटर बता रहा है, ठीक है। तो ये हमने डायामीटर लगा दिया। अच्छा, तस्वीर हम पिक्चर को छोटा कर लेते हैं और इसको थोड़ा मूव कर लेते हैं, ताकि वो करीब करीब लेके आ सके, हमें वो पढ़ने में मसला नहीं, ठीक है। पिक्चर को मजीद थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अच्छा, ये सर्कल लग गया। उसके बाद हमने बाहर वाला सर्कल लगाना है, वो कितना है, सेंटर पॉइंट इन सब का एक ही होगा। बाहर वाला सर्कल कितना है, वो का जनाब डी इंटर 1.750, ये वाला सर्कल, ठीक है। अब हमने सेंटर लाइन लगानी है, जैसे जी लोड कर लेंगे सेंटर लाइन। सही होगा, शोर। अच्छा, इसकी सेंटर लाइन हम क्लिक कर लेते हैं जनाब, ये हमारी सेंटर लाइन लाइन। अब इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं, एक सेंटर लाइन हम इधर से लगा लेते हैं, सेंटर लाइन। मैच कर लेते हैं, हमें इंटर कर लेते हैं, ये मैच हो। अच्छा, अब ये चीज बन गई। अब हमने अगले ये दो सेंटर पॉइंट आइडेंटिफाई करने, वो हमें कैसे पता चलेंगे, हम इसकी डिमेंशन लेंगे इधर से, ये मेंशन होगी किसी जगह के ऊपर, ठीक होगा। अच्छा, पहले हम इधर से ये वाला सेंटर आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ये 1.2 या 312 मिलीमीटर फासले के ऊपर, तो मैं ऑफसेट दूंगा इधर से 2.312 मिलीमीटर, ये ऑफसेट एक ये आ गया। अब इस ऑफसेट से अगले फासला ये बता रहा है, यानी इस ऑफसेट से इस ऑफसेट तक का फासला 5.804 बता रहा है। तो ऑफसेट 5.804, सही हो गया। अब हमने ये ऑफसेट मार। अच्छा, जब तक आप जी सेंटर पॉइंट इसके आइडेंटिफाई नहीं करते या लोकेट नहीं करते, आपका ये ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो सबसे पहले हम सेंटर पॉइंट से, वो सेंटर लाइन से वो बता रहे हैं कि कितने कितने पॉइंट। अच्छा, अगला पॉइंट है 1 मिलीमीटर का, तो हम ऑफसेट 1 मिलीमीटर कर देते हैं। अब ये हमें बता रहा है इधर से इसका सेंटर पॉइंट कितना है, 1.875, तो ये हम एक ये लग गया। अब ये हमें बता रहा है इस सेंटर लाइन से इधर तक फासला 1.75 है, तो 1.75 यानी इधर से 1.75।
हम छोटा कर लेते हैं ताकि हमें समझ जाए हमारे सेंटर लाइन कौन सी है, या इसको मैं ट्रिम कर लेता हूँ। ये हमारी सेंट्रल लाइन है, ठीक है, ये फालतू लाइन है रेस की, और इसको हम छोटी कर लेते हैं, सेंट्रल लाइन को मजीद छोटा कर लेते हैं ताकि वो हमें डिस्टर्ब ना करे, ठीक है जी। सेंट्रल लाइन है छोटी कर लेते। अच्छा जी, अच्छा ये भी पॉइंट हो गया, ये भी पॉइंट, अब ये वाला पॉइंट लोकेट करना है, ठीक है, 40 डिग्री है वो बता रहे, तो मैं इधर से लाइन लगाऊंगा जी जी, लाइन एल इंटर, इधर से सेंटर पॉइंट से लोकेट करने के लिए क्लिक किया, एट द रेट रफली मैं इसको कह देता हूँ 10 मिलीमीटर, एंगल कौन सा 40 डिग्री, ठीक है, ये हमारा एंगल हो गया, तो ये जी हमारा जी पॉइंट भी लोकेट हो, सही है। अच्छा अब हमने क्या जी करना है, इधर से एक सेंटर लाइन लगानी है जो इस पॉइंट को क्रॉस करेगी, यानी इधर ये क्लिक करना है इधर तक, ठीक है, क्योंकि ये वाला सेंटर पॉइंट और ये वाला सेंटर पॉइंट एक सर्कल के ऊपर है, तो ये एक्चुअली ये बनता है, तो ये हमारा ट्रिम करके, इसको ट्रिम करके ये हमारी सेंटर लाइन बन जाएगी, एम ए इंटर करेंगे और ये हमारी सेंटर लाइन बन, ठीक है, इसको हम छोटा कर देते, ये पॉइंट भी हमारा आइडेंटिफाई है, तो अब हम सर्कल लगाने शुरू कर देते हैं क्विक, अब हमने ये वाला सर्कल लगाना है, ये कितना बता रहा है, वो बता रहा है 2 ज़र्ब r एक्सक्यूज मी 2 ज़र्ब r = 437, यानी वो कह रहा है दो सर्कल हैं ये, एक यानी एक ये और एक ये, दो सीधा दो से मुराद एक ये और एक ये सर्कल, तो हम अंदर वाले सर्कल पहले लगा लेते हैं जी जी 437 के, तो सी इंटर 437, ठीक है, हम इसकी हम कॉपी बना लेते हैं, यही जी जी सर्कल कॉपी हम बनेंगे, ये पॉइंट हो गया, अब हमने लाइन लगानी है इसको और इसको मास्क कर रही हो, इसको और इसको मास्क कर रही, ठीक है, अब हमने ट्रिम कर देना फालतू लाइनों को, ये ट्रिम ये ट्रिम ये ट्रिम, ये वाला अंदर वाला ऑब्जेक्ट बन गया, अब इसी तरह बाय वाला हमने बनाना है, वो कितना है 75 का, सी इंटर करेंगे, ठीक है, 75 इसी तरह सी इंटर 75 लाइन इंटर, ये हमारे आपके पास। अच्छा इसमें आपने आप सेंटर लाइन का ध्यान रखना, हर सेंटर लाइन उस सब्जेक्ट को क्रॉस करती है जो जिसके वो सेंटर सेम हो, क्योंकि इस सर्कल का और इस सर्कल का सेम सेंटर एक ही है, तो हम इसको इसमें से क्रॉस कराएंगे, ये इससे यानी ऑब्जेक्ट से तकरीबन 4-5 मिलीमीटर बाहर निकली हुई होनी चाहिए, थोड़ी सी बाहर निकली हुई आप शक होनी चाहिए, जो कि रिप्रेजेंट कर रही होती है कि इसकी सेंटर लाइन है ये, ठीक है, सेंटर एक ही है, तो इसलिए हम इसको इसमें से क्रॉस करवा जी रहे हैं। सर, अच्छा जी अब हम ये बना लिए, अब हमने ये सर्कल बनाने हैं, तो इसका रेडियस कितना वो बता रहा है 2 ज़र्ब = 438, तो हम सर्कल लगाएंगे, एक किधर लगाएंगे 438, ठीक है, एक सर्कल हम इधर लगाएंगे 438, ठीक है, अब हम सर्कल लगाएंगे इधर सेंटर पॉइंट से इधर, और एक सर्कल लगाएंगे इधर से इधर, अब हम इसको ट्रिम कर लेंगे, इसको ट्रिम करेंगे, इसको 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 सही हो गया, ये फालतू लाइन डिलीट हो हमारा ये ऑब्जेक्ट। अब हम एक और काम करेंगे, एक और सर्कल वो बता रहा है
शारिया 875 कर सकते हैं। ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हम सेक्शन लाइन देखेंगे। ये देखें, सेक्शन लाइन इसको क्रॉस कर रही है, सर्कल, सॉरी सेंटर लाइन इसको क्रॉस कर रही है, और इसकी भी सेंटर लाइन जी इस जी लाइन को क्रॉस करेगी। इसका मतलब इन दोनों सर्कल का सेंटर यही है, ये सेंटर लाइन ही हमें बता रही होती है। तो लिहाजा हम इस सेंटर से बनाएंगे कितना, 875 का एक डायमीटर, 875 का दिया, 875। सेम तरीका कार यही, आपने इस सेंटर पॉइंट से इसको टेंजेंट करवाना है, इस सेंटर पॉइंट से इसको टेंजेंट करवाना है, तो हम फालतू लाइनों को ट्रिम कर लेंगे। ये अच्छा, लाइनें साथ साथ ट्रिम करते जाना, क्योंकि ये कंफ्यूजन पैदा करेंगे। ये फालतू लाइनें रेस, ये रेस, ये रेस, ये रेस, ये रहती है, इसको ट्रिम ट्रिम सही है। अच्छा, सही। अब ये गोलाई इधर नहीं है, लेकिन अभी हम इसको लगी रहने देते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं ये वाले गोलाई हमने, इसकी सेंटर लाइन इसको क्रॉस कर गया, ये वाली, इसका मतलब है सेम है इसका भी सेंटर। ये बता रहा है कि रेडियस इसका है 1.375, तो सेंटर से हम रेडियस लगाएंगे इधर से 1.375, 375 इंटर कर देंगे। ठीक है, अब आ जाना है हमने इसको, अब ये वाली गोलाई लगानी है। ये जी हमें कैसे पता चलेगी? ये हमें बता रहा है ये 2.625, यानी ये वाली गोलाई और ये वाली गोलाई का रेडियस आपका 625। अब लगाएंगे कैसे? अब हम सर्कल के कमांड टेंजेंट टेंजेंट रेडियस को यूज करेंगे इसमें, तो सी इंटर करेंगे तो टेंजेंट टेंजेंट रेडियस बता रहा है, और टी इसका कैपिटल है, टी इंटर करेंगे तो अब टेंजेंट हमने किसको करना है, इसको टेंजेंट करना है और इसको टेंजेंट करना है। टेंजेंट करने के बाद रेडियस बताना है, जो कि हमें वो बता रहा था 625, तो 625 हमने रेडियस दे दिया। ठीक हो गया, ये सर्कल आ गया। अब हमने इसको ट्रिम कर लेना है, इसको ट्रिम किया, इसको ट्रिम किया, इसको सही हो गया। ट्रिम कर लेना। सही हो गया, और इसको भी ट्रिम कर लेते हैं। अब जी हम सर क्या करते हैं, ये लाइन लगा लेते हैं मास्क करती हुई गुजरे ना उसको, तो हम एक लाइन इधर से लगाएंगे और इधर उसको मास्क आ रही हो ये। ठीक, अब फालतू लाइन हम ये भी ट्रिम कर लेते हैं। ठीक है, ये अरेज कर, साथ साथ अरेज करते चले जाना। तो ये हमारा नीचे वाला ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। अब हमने ये वाला सर्कल लगाते हैं, तो इस छोटे वाला सर्कल कितना है, 1.75 का सी इंटर वो, लेकिन डायामीटर बता रहे हैं। अपने गौर करना ये ना, और रेडियस आप लगाना, सिंबल आप साथ देना, आर ओ जो डाया रेडियस है, अगर वो साथ पाई बना हुआ हो, डायामीटर का सिंबल हो, तो वो आपने फिर डायामीटर डी इंटर करके तो बता रहा 1.75 का डायामीटर। ठीक है, और दूसरा डायामीटर कितना है, 1.625, तो सी इंटर इधर से 1.625 इंटर कर दे। और ये रेडियस मैंने गलती से लगा दी, देखा, गलती होगी, आपने इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, डी इंटर किया, जी 1.625, 625 या ये भी। अब नहीं, ये हमने सर्कल लगा ली। अब हम क्या करते हैं, ये वाला सर्कल वही तरीका का, सी इंटर किया, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस, टेंजेंट मतलब मास्क आ रहा हो, और टेंजेंट सब कमांड है इसकी, टी कैपिटल है, यानी जो कैपिटल हो उसकी सब कमांड होती है, टी इंटर करते हैं। तो हमने करना है टेंजेंट इस सर्कल को, इस सर्कल को, और इसका रेडियस देना है 1.625। सही है, तो ये मैंने टेंजेंट गलत करवाया, इसलिए वो मसला आ रहा है। सी इंटर, टी इंटर, टेंजेंट इसको करना है, टेंजेंट इसको करना है, और 1.625। ठीक हो गया जी, वो आपने देखना गलती से टेंजेंट किसी और लाइन को जी ना सर करवा दी, जैसे मैंने सेंटर लाइन को करवा दिया, तो कंप्यूटर फिर उसी को ही टेंजेंट करेगा। ठीक है, ये फालतू लाइन मैंने डिलीट कर दी, तो ये ऑलमोस्ट हमारा ये एरिया कंप्लीट हो गया। अब ये रह गया ये वाला सर्कल, इसका भी यही तरीका कार है, सी इंटर करेंगे तो वो कह रहा है
ये आपने रेडियस टेंजेंट टेंजेंट वाला ये इसमें भी तरीका टी इंटर किया, तो इसको टेंजेंट करें और इसको टेंजेंट करें और इसका रेडियस कितना हो, आपने रेडियस बताना है जनाब 1.750। ये हमारा अब हम इसको ट्रिम कर लेते हैं, अब ट्रिम कर लेते हैं, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो। अब आपने इसकी सेंटर लाइन को सेट कर लेना। सेंटर लाइन का असूल क्या है कि जिस जिस सर्कल या जिस जिस कर्व का सेंटर सेम हो तो उसको क्रॉस करना चाहिए, और ये फालतू ज्यादा नहीं बड़ी हुई होनी चाहिए। अब ये देखिए सेंटर लाइन फालतू है, तो अगर हम इसको क्रॉस कर देंगे तो इसका मतलब क्या है कि आपकी इसका भी सेंटर पॉइंट यही है, तो जो कि नहीं है, तो लिहाजा आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि आपने जिस जिस ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट यानी इसका भी सेंटर यही था, तो लिहाजा हम इसको में से भी क्रॉस करवाएंगे, क्रॉस होकर कर लेते हैं। इसी तरह ये वाले ऑब्जेक्ट जी जी तो हम इसको भी क्रॉस करवाएंगे। ये देखें क्रॉस कर रहा है इसको, यानी इस सर्कल का सेंटर पॉइंट यही था, ज्यादा हर एक चीज का सेंटर पॉइंट सेम हो तो आपने उसको क्रॉस करवाना ताकि वो गलती ना हो, ताकि वो देखने वाले को एक्चुअली यही चीज रिप्रेजेंट कर रही होती है। ठीक है, तो अब इसका सेंटर डिफरेंट है, लिहाजा हम इधर तक ही रखेंगे, ये ज्यादा फालतू नहीं रखेंगे। अच्छा, इसका सेंटर जितना है जिसका है वो ठीक है, फिर आपने डिमेंशन भी इसी हिसाब से दे देना, ठीक हो गया। तो ये आपका ऑब्जेक्ट कंप्लीट होगा, आप डिमेंशन आपको दे देनी है। तो यही तरीका कार इसमें से भी सेंटर लाइन को आपने थोड़ा सा फालतू कर देना ताकि देखने में सही हो जाए, तो रिम कर देते हैं फालतू थोड़ा सा। तो ये सर ये जो हमने टेंजेंट टेंजेंट दिया इसमें सी इंटर कर